हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? सब स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन का लड्डू। तो उसके लिए देखिए, चाहिए शुद्ध देसी घी, ये है शुगर पाउडर, अगर आपके पास नहीं है तो चीनी को मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, ये है सूजी, आधा कप सूजी, और एक कटोरी बेसन। सूजी थोड़ा सा डालना है ताकि वो लड्डू दरदरा हो। सबसे पहले हम गैस पे पैन बैठा लेंगे। उसमें हम घी डालेंगे। घी कुछ ज़्यादा ही डालना है ताकि उसमें बेसन अच्छी तरह से भून जाए। उसमें हम बेसन डाल देंगे। बेसन डालने के बाद इसको हम भूनेंगे। जब भी ये लड्डू बनाए आप मतलब मोटे तले की कढ़ाई ले ताकि जले ना, और लगातार इसको चलाना ही है। लगभग इसको हम 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे, जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए, तब तक इसको भूनना है। ये बना रहे तो पूरी खुशबू महक जाती है किचन में, अगर आप बनाएंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। इसको लगातार भूनना है 10 से 15 मिनट तक। उसकी गुठलियों को दबाते हुए भूनना है। देखिए हमें घी कम लग रहा था तो हम इसमें डाले। अब इसमें हम सूजी डाल देंगे। लगभग जैसे आधा भून लिए हैं हम बेसन, तो उसके बाद हम सूजी डाल लेंगे, क्योंकि बेसन को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है और सूजी को कम। तो हम बीच में डालेंगे सूजी। अब साथ में भी भून सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे ही। इसको एकदम लो फ्लेम पे भूनना है और लगातार 10 से 15 मिनट इसको भूनेंगे। देखिए यहाँ चम्मच में भी लग जाएगा तो आप उसको छुड़ा लीजिए, या हम हाथ से छुड़ा दिया, चम्मच की सहायता से छुड़ा सकते हैं। जब ये बेसन अपने आप घी छोड़ने लगेगा तो पता लग जाएगा कि हाँ, ये अच्छी तरह से भून गया है। फिर हम घी डाल रहे हैं ताकि ये घी छोड़ दे। यहाँ देखिए ये धीरे धीरे घी छोड़ने लगा है, गीला होने लगा। इसकी खुशबू से आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये हो गया है तैयार। देखिए हम यहाँ दिखा रहे हैं, एकदम गीला हो गया है। पहले सूखा हुआ था, हम भूनते भूनते इसको ये गीला हो गया, घी छोड़ देगा, उसके बाद हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद यहाँ हम कटोरे में निकाल लिए हैं। इसको लगभग 90% तक ये ठंडा हो जाएगा, तब इसमें हम चीनी मिलाएंगे पिसा हुआ। और पीछे की आवाज़ को इग्नोर करिए, गाड़ी है, सड़क पर घर है तो गाड़ियों की आवाज़ आती रहती है। तो इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे बढ़िया से। ये लड्डू ऐसे ही अच्छा लगता है, सिंपल ही, इसमें कुछ भी यूज़ ना करो तो हमें अच्छा लगता है ज़्यादातर। अगर आप
यूज़ करना चाहते हैं ड्राई फ्रूट्स तो कर सकते हैं यहाँ हाथों पे घी लगा के, ऐसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती घी लगाने की, लेकिन हम लगाए हैं तो आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। इसको गोल गोल बना लेना है लड्डू, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, हमें लगता है कि जितनी इजी है उससे कई ज़्यादा महंगा मिलता है ये मार्केट में। घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, एकदम परफेक्ट बनेगा लड्डू अगर आप ऐसे बनाएंगे तो। जब ये 90% तक ठंडा हो जाए बेसन वाला, तब उसमें हम मिलाएंगे शुगर पाउडर, ये बस याद रखिए, बाकी सब आपको बढ़िया बनेंगे लड्डू। और कम बेसन में ज़्यादा तैयार हो जाता है, आप ज़रूर ट्राई करिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। यहाँ हमारा सारा लड्डू तैयार हो गया, आप प्लीज़ ट्राई करिए, देखिए कितना अच्छा बना है। और इसको बिना फ्रिज में रख के ही आप 15 दिनों तक आसानी से यूज़ कर सकते हैं, तो आप ज़रूर बनाइए और सबको खिलाइए। हाथों की, हाथ से बनाने का बात ही कुछ और होता है।